क्या कहूँ, बस मेरे पास शब्द नहीं है। धोखा दिया गया, क्या खाया वही छेद किया। स्वामी हितेशानंद को हराया, संजय गुप्ता को हराया। हमारे उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी और कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पोरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ मोर्चा खोला और अब बीजेपी के एक और पूर्व विधायक ने अपनी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये है बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन। वैसे तो पूर्व विधायक जी क्या कब बोल दें इसका कोई पता नहीं, लेकिन इस बार पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर विकास कार्यों पर अड़ंगा लगाने और भीतरघात करने का आरोप लगाया है। दुनिया जानती है 2022 के विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे भाई मदन कौशिक जी, उनके द्वारा भाजपा से क्या कहूं, बस मेरे पास शब्द नहीं है, धोखा दिया गया। जहां खाया वहीं छेद किया। स्वामी हितेशानंद को हराया, संजय गुप्ता को हराया, हमारी सीट हरवाई। उमेश को लाने वाले मदन कौशिक हैं और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया। पूरा संगठन खिलाफ कर दिया, सरकार भी खिलाफ कर दी। 6-6 बार हेलीकॉप्टर लैंड हो रहे हैं। शिकायत करिए, कोई बोलने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। डीएम से बोलो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पांडे से, कि सर ऊपर से मालूम करें। मतलब पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी आचार संहिता में खेमपुर गांव में सड़क का रैंप बनवा रहे हैं, उसका टेस्टिमोनियल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सुना आपने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को। चैंपियन के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी और कलह से जूझ रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले चैंपियन कई बार पार्टी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब देखना होगा कि अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी पार्टी के अंदर चल रही है अंदरूनी गुटबाजी और कलह को कैसे खत्म करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।